नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम आपको सैर कराते हैं देहरादून से ऋषिकेश की। देहरादून से ऋषिकेश जाने के लिए आप टॉल रोड छोड़ना चाहते हैं तो थाना वाला रोड से भी निकल सकते हैं, वहाँ से आपको टॉल नहीं पड़ेगा। हम निकलेंगे देहरादून ऋषिकेश नेशनल हाईवे नंबर 7 से, मियांवाला हर्रावाला होते हुए कुआंवाला से, और ये है लच्छीवाला टोल प्लाजा। यहाँ पर आप छोटे फोर व्हीकल के लिए 85 रुपीज़ का टोल दे सकते हैं। अगर आपके पास फास्टैग है तो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा फास्टैग में से, नहीं है तो आपको डबल टोल देना पड़ता है, यानी 85 का डबल आपको पे करना पड़ेगा। केवल 1 मिनट, लच्छीवाला इस टोल प्लाजा हम सीधा निकलेंगे ऋषिकेश के लिए। आगे जाके एक फ्लाईओवर आता है, उस फ्लाईओवर पर हमें ऊपर नहीं चढ़ना है, उसके बाएं से नीचे सर्विस रोड से होके आगे भानिए वाला से बाएं मुड़ जाना। तो याद रखना, आगे फ्लाईओवर पे नहीं करना है, इसके बाद जो भानिए वाला में फ्लाईओवर आता है वहाँ से हमने फ्लाईओवर छोड़ देना है, नीचे बाएं से होके फिर आगे चौराहे से लेफ्ट हैंड पे सीधा ऋषिकेश हरिद्वार रोड की ओर जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पड़ता है, उस तरफ चले जाना है। सीधा आगे जाके जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पड़ता है 10 किलोमीटर पे, उसके बाद रानी पोखरी होते हुए हम राजाजी नेशनल पार्क से सीधा रिजर्व फॉरेस्ट से सीधा ऋषिकेश की ओर निकलेंगे। आगे सामने आपको दिख रहा भानिए वाला फ्लाईओवर, इस फ्लाईओवर पर नहीं जाएंगे हम। यहाँ से हम नीचे सर्विस रोड पर उतर के बाएं हाथ को टर्न करेंगे आगे चौराहे से, तो सीधा ऋषिकेश निकलेंगे हम। वहाँ से बाएं हाथ को टर्न करके रानी पोखरी, आगे 5-10 किलोमीटर पर आता है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, तो हम आगे फ्लाईओवर के नीचे से चौराहा आएगा, वहाँ से राइट टर्न करके जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे, और वो ऋषिकेश देहरादून जो मार्ग है उस पर जाएंगे सीधा रानी पोखरी की तरफ। आपने क्या कहा? गंदी है 15 मिनट से देहरादून वाली, 4-5 सवारियां लोग बैठती हैं, वो भी कभी कभी क्या होता है कि जैसे सवारी नहीं हुई, एक दो सवारी हुई तो रद्द करा देते हैं सारे। हाँ फिर बिना बस, जैसे आज की फ्लाइट है 12-1 बजे की, तो 8-9 बजे जैसा करेंगे मैसेज आने, आज की फ्लाइट रद्द हो। जॉली ग्रांट से आगे ऋषिकेश वाला, घुम्मू वाला, और झील वाला, एक तरफ घम्मू वाला है, एक तरफ झील वाला रास्ता है। जॉली ग्रांट से आगे थोड़ा सा आगे आए हम, 5 किलोमीटर आगे ऋषिकेश की ओर, और यह आया दुजिया वाला मेन सिटी से बाहर। हम चल रहे हैं राजाजी नेशनल पार्क के अंदर से ऋषिकेश की ओर एक रास्ता जाता है। बहुत ही सुंदर दृश्य, चारों ओर से पेड़ों से घिरा हुआ है, जंगल रिजर्व फॉरेस्ट है।
और राजा जी फॉरेस्ट रेंज से निकलने के बाद हमको बाएं हाथ पे सीधा दिखाई दे रहा है ऋषिकेश। यहाँ से ऋषिकेश शुरू होता है और आगे हम ऋषिकेश मार्केट में भी एंट्री नहीं करेंगे। लेफ्ट हैंड पे हम आगे चौराहे से लेफ्ट हैंड को टर्न करेंगे और बाईपास से सीधा होकर ऋषिकेश हम बाईपास से निकल रहे हैं। मार्केट में एंट्री नहीं करेंगे, काफ़ी ट्रैफिक है मार्केट में, तो बाईपास से होते हुए हम मार्केट क्रॉस करेंगे सीधा। पूरा ऋषिकेश की मार्केट बाईपास का रास्ता ये ऋषिकेश का, और यहाँ पर पुलिस चेकिंग कर रही है बाहर से आने वाली सारी गाड़ियों की। ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पर पुलिस की चेकिंग हो रही है और वह पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है बाहर से गाड़ी आने वाली गाड़ियों के लिए, और RT-PCR रिपोर्ट साथ में होना बहुत ज़रूरी है। 72 घंटे पुराने RT-PCR की रिपोर्ट। ऋषिकेश बाईपास आते हुए यहाँ पर से एक रोड या नरेंद्र नगर नई टिहरी गंगोत्री यमुनोत्री को निकलती है और यहाँ पर से ये बाएं हाथ को गंगोत्री नई टिहरी के लिए और दाएं हाथ को हम यहाँ फिर उत्तरकाशी ये बद्रीनाथ और देवप्रयाग कर्णप्रयाग इस तरफ को निकलेंगे। बाईपास रोड से आते हुए ये टनल सा पूरा लगता है ये, और ये देवप्रयाग वाली रोड इसमें चलते हैं मार्केट चलते थे। यहाँ से फिर से एक रोड है मार्केट को जाती है और ये बाएं हाथ को फिर बाईपास रोड निकलती है। ये रोड मार्केट में एंट्री होती है, बीच मार्केट में बीच होती है। ऋषिकेश बाईपास से होके हम फिर मार्केट में एंट्री होगी। थोड़ा सा मार्केट का एक हिस्सा लगता है अब यहाँ पे, हम ऋषिकेश क्रॉस करने ही वाले हैं। हॉस्पिटल वाला ये ऋषिकेश से आगे निकलते हुए यहाँ पर फिर से पुलिस वाले बाहर से आने वाली जो आउट ऑफ स्टेट गाड़ियाँ हैं सबकी चेकिंग कर रहे हैं और सबसे RT-PCR की रिपोर्ट और वेब पोर्टल में रजिस्ट्रेशन वगैरह सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लिए जा रहे हैं। पूरी चेकिंग हो रही है यहाँ पे बाहर की गाड़ियों का। टूरिस्ट काफ़ी आने लग गया है उत्तराखंड में फिर से, तो जो रूल्स चारधाम यात्रा का मार्ग है गवर्नमेंट ने बनाए हैं कोविड की वजह से, तो उनके प्रशासन पूरी सख्ती से लागू कर रहा है। हर गाड़ी को रोक के चेक किया जा रहा है।